नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण की दिशा में 5 अगस्त का दिन ऐतिहासिक होने जा रहा है। इस दिन देश भर में महोत्सव जैसा त्योहार होगा। पूरी अयोध्या को सजाया गया है। इसी के अलावा पूरी दुनिया की निगाहें 5 अगस्त पर टिकी हुई है, क्योंकि इस दिन राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी जाएगी, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अयोध्या में मौजूद रहेंगे। इसी दिन पर सभी की निगाहें जमी हैं। यह बात मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पूर्व ओएसडी तथा श्रम एवं कल्याण बोर्ड के चेयरमैन अमरिंदर सिंह ने समाचार एक्सप्रेस से विशेष बातचीत में कही। वह आज शनिवार को करनाल के महावीर दल अस्पताल के प्रांगण में स्थित मंदिर में श्री रामचरित मानस के पाठ के अवसर पर मौजूद थे। यहाँ बता दें कि उन्होंने गत दिवस इस पाठ का आयोजन किया था, जिसका आज समापन हुआ है। इसी दौरान उन्होंने बताया कि अयोध्या के श्री राम मंदिर का निर्माण प्रत्येक हिंदुस्तानी के लिए बेहद गर्व की बात है। इस दिन दुनिया भर में दीपावली जैसा माहौल होगा। लॉकडाउन के चलते जो राम भक्त अयोध्या नहीं जा सकते, वह श्री राम का नाम लेकर ही उनके चरणों में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा सकते हैं। आपको बता दें कि फरवरी माह में मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के गठन के बाद से ही मंदिर निर्माण की गतिविधियों में तेजी आ गई थी। हालांकि कोरोना के कारण इसमें कुछ रुकावट आई, लेकिन अब इसके निर्माण की शुरुआत का दिन बेहद करीब है। 5 अगस्त का दिन राम भक्तों के लिए बेहद खास है। कई सालों तक कोर्ट में चले केस के बाद आखिरकार इस दिन राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन होगा और फिर आधारशिला रखी जाएगी। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी समेत कई गणमान्य लोग शामिल होने वाले हैं और ऐसे में तैयारियां जोरों पर हैं। बता दें कि राम जन्मभूमि में विराजमान रामलला के मंदिर निर्माण के लिए 5 अगस्त को भूमि पूजन से पहले ही पूजन स्थल पर सावन शुक्ल पूर्णिमा तदनुसार 3 अगस्त से वैदिक आचार्यों के निर्देशन में पंचांग पूजन का शुभारंभ किया जाएगा। 4 अगस्त को पुनः रामाचार्य का पूजन किया जाएगा, जबकि 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य पूजन करेंगे। इसी क्रम में मंदिर अनुष्ठान शुरू होगा। इस अनुष्ठान के अंतर्गत सभी मंदिरों में श्री रामचरित मानस का संकलित अखंड रामायण पाठ शुरू होगा। इसकी पूर्ण आहुति 4 अगस्त को होगी। इसके बाद 5 अगस्त को भूमि पूजन के निर्धारित मुहूर्त पर दोपहर 11:30 से 12:30 बजे के मध्य हरि संकीर्तन का आयोजन किया जाएगा। अयोध्या के प्रत्येक मंदिर व घर में यह आयोजन सुनिश्चित कराने के लिए विहिप के केंद्रीय पदाधिकारी व संतों की संयुक्त टीम स्थान स्थान पर योजनाबद्ध ढंग से संपर्क कर रही है। यह टीम संबंधितों से यह आग्रह भी कर रही है कि 500 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद आई इस शुभ घड़ी पर अधिक से अधिक स्थानों पर सामूहिक आयोजन हो, जिससे किसी भी प्रकार की आशंका निर्मूल सिद्ध हो जाए और जनमानस भी आनंदित हो। भारत चीन सीमा पर बढ़ते तनाव संबंधित प्रश्न के जवाब में अमरिंदर सिंह ने कहा कि राफेल आ गए हैं, अब सबका समाधान होगा और जो भी विरोधी राम मंदिर के निर्माण को लेकर सूर उठा रहे हैं वह उचित नहीं है। भगवान श्री राम सभी के लिए भगवान व आराध्य हैं। देखिए एक विशेष रिपोर्ट। मैं तरुण मदान और इस समय आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। मैं आपको बता दूं कि इस समय मैं मौजूद हूं करनाल के महावीर दल के स्थित मंदिर के प्रांगण में और मेरे साथ मौजूद हैं करनाल के पूर्व ओएसडी श्री अमरिंदर सिंह जी। मैं आपके इनके बारे में आपको विशेष तौर पर बता दूं कि मधुर भाषी हैं और विश्वास परमात्मा में सदैव विश्वास रखने वाले। इसी के लिए इन्होंने 24 घंटे के लिए श्री रामचरितमानस जी का पाठ यहाँ पर रखवाया था, जिसकी पूरे कार्यकारिणी इन्होंने संभाल रखी थी। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है अमरिंदर सिंह जी। नमस्कार। नमस्कार सर, मैं ये जानना चाहता था प्रभु श्री राम का नाम लेने से कौन कौन से कष्ट और कौन कौन सी विपदाएं दूर हो जाती हैं? प्रभु श्री राम के नाम लेने से कष्ट तो होते ही नहीं, दूर कौन कौन से होते हैं तो सवाल ही नहीं उठता। भगवान राम के प्रति श्रद्धा रखना यानी अपने आप को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उनके चरित्र को अपने आप में उतारना होता है। जिसके अंदर भगवान राम का चरित्र विद्यमान हो जाए, किसी भी कारण से वो कष्ट को नहीं भोग सकता। कोई ऐसा कारण नहीं है जो भगवान राम का उपासक हो, भगवान राम जैसा चरित्र का धारण करता हो और उसको किसी प्रकार का कष्ट हो। महावीर दल मंदिर जो है, ये मेरे लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण स्थान मेरे मन में रखता है।
मैं जब करनाल में लोगों के हित के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर यहाँ काम करता था, उन दिनों मंगलवार और शनिवार में इस मंदिर में आया करता था। पिछले लंबे समय से मेरे काम की जिम्मेदारी बदल गई, मुझे चंडीगढ़ और पंचकुला रहना हुआ तो कम आना हो पाता था। तो ध्यान में आया कि नहीं जाते हैं तो ये कुछ हमको करना चाहिए वहाँ चल के। तो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र पर आधारित तुलसीदास जी के द्वारा रचित जो श्री रामचरित मानस, उस श्री रामचरित मानस का अखंड पाठ कीर्तन किया है। और ये अखंड पाठ कीर्तन के बाद जो शारीरिक सामयिक ऊर्जा जो होती है, अनुभूति करने के लायक होती है। मैं ऐसा मानता हूँ कि भगवान राम के चरित्र पर आधारित रामचरितमानस, इसको हम सबको अवलोकन करना चाहिए, सबको अध्ययन करना चाहिए। पढ़ने से निश्चित रूप से जीवन में आने वाले विकारों से दूरी मिल सकती है। सर, आगामी 5 तारीख को अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण का पूजन आरंभ होने जा रहा है। सर, इसके विषय में आप समस्त जो हमारे भारतवासी थे, इसकी काफ़ी लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे। सर, आप इसका श्रेय किसको देना चाहिए? ये श्रेय से इसको नहीं देखा जाना चाहिए। भगवान राम के प्रति विश्व के कोने कोने में भगवान राम के प्रति आस्था रखने वाले लोग हैं। सब लोगों की भावनाएं देश की न्यायिक पद्धति और विश्व हिंदू परिषद के लोगों के साथ, देश के अखिल नेतृत्व के साथ, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी हो, ऐसे सब लोगों के साथ इन सब की संवेदनाएं जुड़ी, न्याय प्रक्रिया ठीक से पूरा हुआ, जिसके कारण 500 वर्ष बाद त्रिपाल से भगवान राम अपने घर में पहुंचने वाले हैं। कैसी स्थिति बनने वाले हैं जिसको देखने के लिए दुनिया के कोने कोने से लोग आएंगे। अध्यात्म और धर्म इस बात को कहता है कि जब कभी इस प्रकार का भूमि पूजन, शिलान्यास अथवा ऐसा कुछ भी होता है, तो उनके प्रति श्रद्धा रखने वाले लोग अपने अपने घरों में रह करके भी अपनी वहां की उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं, इसलिए कि उनके मन में श्रद्धा है। यदि हम सब में से यहाँ से लोग जो नहीं जा पाने वाले हैं, भगवान राम के प्रति श्रद्धा रखेंगे यही से कि हम तो आज 500 साल जो ऐसी स्थिति थी, उस स्थिति को समाप्त करने के लिए आज भगवान राम के मंदिर का भूमि पूजन हो रहा है, हम भी वहीं हैं, ऐसा भाव लेकर के मुझे लगता है कुछ दिन भगवान राम के प्रति श्रद्धा प्रकट करते हुए भगवान राम का गुणगान करना चाहिए, अपने श्रेष्ठ और उज्जवल भविष्य की कामना के लिए प्रार्थना करना चाहिए। लोगों ने यह भी कहा है कि हम उस दिन दिवाली मनाएंगे, दीपावली मनाएंगे, अपने घर में दिए जलाएंगे, तो सर आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे इस संदर्भ में? निश्चित रूप से यही बात मैंने कही है कि जो मित्र नहीं जा पा रहे हैं, जो वहाँ नहीं जा सकते, व्यवस्थाएं उस ढंग की लॉकडाउन के चक्कर में और इन सब व्यवस्थाओं, हाँ बिल्कुल, इन सब व्यवस्थाओं के चक्कर में सब बनी हुई है, इसलिए निश्चित रूप से अपने अपने घरों में एक अच्छा उत्सव का वायुमंडल तैयार करके अपने जीवन में राम का चरित्र कैसे आ जाए वैसा भाव पैदा करना चाहिए। सर, कुछ विरोधी सुर भी आगे आ रहे हैं इस भूमि पूजन को लेकर, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या उनको ऐसा करना चाहिए? मैं बहुत ही क्रूर शब्द कह दूं, राजनैतिक विषयों पर चर्चा का एक अवसर होता है, जिनके जीवन में अपने अग्रज, अपने पिता के प्रति, अपने दादा के प्रति आदर का भाव न हो, वैसे व्यक्ति की चर्चाओं पर मुझसे कुछ कमाएंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। धन्यवाद। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल। सर, इस समय हमारा जो पूरा विश्व है इस गंभीर बीमारी से, जो एक महामारी से जूझ रहा है, तो सर आपके अगर हम अध्ययन को देखें या आपके से जानें, तो इस बीमारी से हम कब तक और कैसे, प्रभु की कृपा से हम कब तक इसे निजात पा सकते हैं, परमात्मा की दया से अभी तक हमारे यहाँ पर स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है? देखिए, ये जो बीमारी है वो दिखने वाली बीमारी तो है नहीं, उस पर देश अपने ढंग से, अलग अलग संस्थान अपने ढंग से सर्च कर रहे हैं, दुनिया के बहुत सारे देश मेडिसिन के लिए इस पर काम कर रहे हैं। मैं निश्चित रूप से ये कह सकता हूँ कि भारत का जलवायु ऐसा है, भारत का खान पान ऐसा है, जिसके कारण से हमारे देश के अंदर के लोगों को प्रभाव थोड़ा सा कम झेलना पड़ रहा है। निश्चित रूप से इस बीमारी से निजात पाने के लिए देश की सरकार और अपने अपने प्रदेशों में प्रदेशों की सरकार बहुत मजबूती के साथ काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से ईश्वर के आशीर्वाद से जल्द ही निजात पाएंगे। सर, एक आखिरी सवाल। सर, सीमा पर भारत और चीन के बीच में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है, हमारे देश में भी कुछ राफेल लड़ाकू विमान आ चुके हैं। राफेल आ गए, सबका समाधान हो जाएगा। राफेल आ गए। ये थे हमारे साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के पूर्व ओएसडी श्री अमरिंदर सिंह जी, इन्होंने विस्तार से जानकारी दी है। मैं तरुण मदान इस समय
वहीं महावीर दल के मंदिर के प्रांगण से सीनियर कैमरा पर्सन सनी चौधरी के समाचार एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।